प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में चल रही भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जनसंघ से लेकर हमारी यात्रा शुरू हुई है और भाजपा के रूप में फली फूली है और पार्टी के स्वरूप को उसके विस्तार को देखते हैं तो गर्व तो होता ही है, लेकिन इसके निर्माण में खुद को खपाने वाली पार्टी की सभी विभूतियों को मैं आज नमन करता हूँ। आज से वर्ष अध्यक्ष सुंदर सिंह भंडारी जी की जन्म शताब्दी का भी वर्ष है। हम सब ऐसे प्रेरणा पुरुष को हृदय से प्रणाम करते हैं। पीएम मोदी ने अपने नेताओं से कहा कि वे अगले 25 साल का लक्ष्य तय करें ताकि जनता की सेवा कर सकें और उनकी उम्मीदों पर खरा उतर सकें। पीएम मोदी ने आगे कहा कि दुनिया आज भारत को बहुत उम्मीदों से देख रही है। ठीक वैसे ही भारत में भाजपा के प्रति जनता का एक विशेष स्नेह है। देश की जनता भाजपा को बहुत विश्वास से, बहुत उम्मीद से देख रही है। देश की जनता की आशा आकांक्षा हमारी दायित्व बहुत बढ़ा देती है। आजादी के इस अमृत काल में देश अपने लिए अगले 25 वर्षों के लक्ष्य तय कर रहा है। भाजपा के लिए ये समय है अगले 25 वर्षों के लक्ष्यों को तय करने का, उनके लिए निरंतर काम करने का। हमारा दर्शन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्मक मानववाद और अंत्योदय। हमारा चिंतन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सांस्कृतिक राष्ट्र नीति। हमारा मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमारे देश में एक लंबा कालखंड ऐसे रहा जब लोगों की सोच ऐसी हो गई थी कि बस किसी तरह निकल जाए, न सरकार से उनको अपेक्षा थी और न ही सरकार उनके प्रति अपनी कोई जवाबदेही समझती थी। 2014 के बाद भाजपा देश को इस सोच से बाहर निकाल कर लाई है। मैं देश के उज्जवल भविष्य को भली भांति देख रहा हूँ। जब मैं आत्मविश्वास से भरे हुए देश के युवाओं को देखता हूँ, कुछ कर गुजरने के हौसले के साथ आगे बढ़ती हुई बहन बेटियों को देखता हूँ, तो मेरा आत्मविश्वास भी कई गुना बढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।